तो जी, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज कुछ नया विजन आने वाला है। हम पापा को बताएंगे, पापा देखिए कैसे दिख रहे हो आप इसमें। बहुत बढ़िया दिख रहा है। और हेजल इधर ड्रोन उड़ा रही है। क्यों उड़े ड्रोन, ये देखो मकई में दोनों नाइफ डाल के बोल रही है ड्रोन है। उड़े तो कैसे उड़ेगा बेटा, उड़ाओ तो, पक्का तो बताओ तो, उड़ाओ उड़ाओ। नीचे आवे छे हमणा। ओ माय गॉड, पकड़ लो, पकड़ दो, पकड़ दो। आई ऑल डूइंग वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला आने वाला है और हमारे यहाँ पे बन रहा है मकई का चिवड़ा। सारिका गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। अत्यारे ना लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ये जो मकई है उसको हम क्या करेंगे, ये पहला आधा काटने का फिर पूरा काटने का, तो पूरा यूज होता है एकदम मकई। दूसरा ऐसे काटने का, दूसरा अंदर से काटने का। हाँ ये ठीक है, तो पहला लेयर उधर से काट दिया, दूसरा लेयर उधर से काट दिया। हाँ बेटा चल पोटी डेडी करा, चल चलो बंद करी दो, तने ना गमतु नथी। ओके पछी तो मस्ती करी, पोटी करी ना उसको, डोन ले ले चल। नहीं पोटी करी ने मामा, चलो लेट्स गो। तो जी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है और पापा इधर खड़े रह के रेडी हो चुके हैं आज की सुविचार देने के लिए। फटाफट बोल दो आज का सुविचार क्या है। पहला वेरी गुड मॉर्निंग नहीं करने, वेरी गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बोलो तो वेरी गुड मॉर्निंग बोलो, यू गुड मॉर्निंग पापा, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके बोलिए आज का सुविचार दे दो। नेक और परोपकारी कार्य करते रहो तो कुछ न कुछ मिलता रहेगा एक दिन। ओके, आत्म शांति और दुआएं मिलती रहेगी। बराबर से, आत्म शांति और दुआएं मिलती रहेगी। बराबर से, आपको कुछ कहना है आत्म शांति के बारे में? कुछ नहीं, ये जो करे समझा दो। चलो अभी हम कंटिन्यू करेंगे किचन में। वाह यार, इसका यार वाइड एंगल एक नंबर है भाई, वो फाइन। चलो इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, जीरा राय डाल के वगैरह। सारिका व्लॉग करने में कितना मजा आता था ना तेरे को? मजा क्या, टेंशन आ जाता। बहुत मेहनत करती है सारिका, इतनी मेहनत करती है यार सीरियसली। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो बता दूं, सारिका है ना मेरे को मैसेज करके फ़ोन करके बताती है कि आज के वीडियो में ये है वो है, और कुछ कुछ क्लिप मेरे को व्हाट्सएप में सेंड करती है, ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो मैं उधर वेडिंग में होता हूँ ना, तभी मैं वो वीडियो देख के उसको बोल देता हूँ कि हाँ ये डाल या ना डाल। ऐसा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस भी चालू रहता है, ठीक है। शी इज़ अ रियली हार्ड वर्किंग वाइफ, तो एप्रिशिएट। और घर दोनों साथ में हो जाते हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा हार्ड हो जाता है। चलो तो अभी इसमें क्या डाला बता दो फटाफट। राय जीरा, राय जीरा और अभी तड़ तड़ हुआ थोड़ा हींग डाला और करी पत्ता डाला, करी पत्ता। तो राय जीरो हींग करी पत्ता तेल में डाल के थोड़ा सातलने देने का। फिर तमाम सीख ही जाते हो, ठीक है मेरे को आता ही है। और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर और अभी जाएगा थोड़ा हमारा, थोड़ा नहीं कम, कौन फटाफट फटाफट थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर और उसके ऊपर डालेंगे जीरा पाउडर, ठीक है। और इधर मैं साइड पे आ जाता हूँ, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा नमक और बाद में जाएगा थोड़ा सा शक्कर, ये तो रहता ही है हमारा सिग्नेचर है। सब शाक में, दाल में, भात में, सब में है शक्कर जाता है। शक्कर नहीं जाए सभी में, गुड़ ही जाता है, लेकिन कोई कोई में शक्कर जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छी तरह से हिलाए। अच्छा उसमें क्या वेजिटेबल्स को डालने का है क्या? ना, सिर्फ पानी, सिर्फ थोड़ा पानी डाल के, मटले का पानी सिर्फ, सिर्फ मटले का ऐसा थोड़ा पानी डाल के फिर उसको थोड़ी देर ऐसे रहने देने का। ये देखो इसका स्टाइल देख लो पानी डालने का, थोड़ा सा और डालेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे। छाटा उठ रहा है, सीटी सीटी कितना मारने का जो आप लोगों को अच्छी लगे। अच्छा कुकर वाली सीट, कुकर वाली बोल रहा हूँ। ओ तो तीन थोड़ी देर के बाद मेरे को आइडिया आया, उसने मैंने बोला सीटी कितना मारने का था जीतो। तो अब ढक्कन बंद कर देना है और ढक्कन जब खोलेंगे हम लोग बाद में हमें
सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना है। ठीक है, तो जी वाइड एंगल में देखते हैं केजीएफ कैसे लगते हैं। ओ माय गॉड, केजीएफ तू तो बहुत पतला दिखता है बे इसमें। मैं पतला ही हूँ। है किधर से? सब जगह से। तो क्या है आज का प्रोग्राम भाई? बस आज का तो ऑफिस जाने का है। बराबर है, सोमवार मंगलवार है एक्चुअली आज। मंगलवार है। ठीक है, मेरे को थोड़े 3-4 मूवी देने का, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग वापस चालू हो गया है तो फोन में रखना पड़ेगा। हाँ तो देता हूँ ना। ठीक है, और मार्केट भी फास है आज। मार्केट फास है, फुल फास। अभी अपना भाई मार्केट रिसर्च कर रहा है तो देखते हैं उसको कितना प्रोग्रेस मिलता है। मार्केट भी फास है ऐसा बोल रहा है। तमारो क्या बोलो, मार्केट फास है माँ? आई डोंट नो। यू डोंट नो? मार्केट में मने कहीं खबर पड़े नहीं। ओके, और मम्मी आ गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों छे तुमने? हारू छे। मम्मी का मूड थोड़ा अभी 100% खुला नहीं है, खोलेंगे अभी। उसका 2 दिन से तबीयत बराबर नहीं था, मैं व्लॉग देख रहा था जब सारिका बना रही थी, तो अभी खबर काटेंगे मम्मी का थोड़ा। पहला जय श्री कृष्ण मंदिर में करी आओ। કરી આવ્યો હોય તો હવારે થઈ ગયું મમ્મી, એવું પછી રોજ રોજ એક ને એક વસ્તુ નવું કઈક કરે? અરે મંદિર ને પહેલા દર્શન કરીને પછી જ ચાલુ કરાય, પછી જ ચાલુ, પણ મમ્મી રોજ એક ને એક વસ્તુ બતાવવાથી વ્યુઅર્સ કંટાળી જાય, તો કઈક નવું કરવું પડે। અને આજે તારી ઓરેન્જ સાડી બહુ મસ્ત લાગે છે, મંદિર તો બધાને દર્શન કરવા। તો જી હેઝુ ઓલરેડી રેડી હો ચુકી હે ટ્યુશન જાને કે લિયે, ઓર શી ઇઝ એક્સાઇટેડ? હેઝુ ટ્યુશન જવું છે કે સ્કૂલે જવું છે? હા મને ટ્યુશન જવું છે। વેરી ગુડ, ટ્યુશન દઈને તો શું કરીશ? બેગ બહુ દૂર છે ઉસકા? બેગ બહુ દૂર હૈ તો મુજે બોલા કે લે લો એલિફન્ટ વાલા બેગ, યે લે। ओके बेटा, वेलकम। चलो फटाफट पेरी ने भागो। चलो तो जी कुकर ओपन हो चुका है। सरिका कितनी सीटी बजाने की? 3 सीटी कुकर की। 3? ठीक है, बजा दी 3 सीटी। और इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमारा मुरमुरे का चिवड़ा। मुरमुरे का चिवड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसमें, मुरमुरे का चिवड़ा जाएगा। ठीक है, तो 2 पूरे चिवड़े डाल दिए हैं, 2 वाट के, और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा लेमन, थोड़ा मतलब पूरा 1 लेमन जाएगा। ये चलाला का लेमन है ऐसा लग रहा है, जीना है इसलिए 2 डालेंगे। ओके, तो लेमन का एकदम खट्टा मीठा स्वाद आने के लिए लेमन डालेंगे, और हरा धनिया, लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ये देखो ड्रोन इधर तक आ गया है उड़ते उड़ते। हरा धनिया डालते हैं लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने नहीं डाला। ओके, तो ये है हमारा मकई का चिवड़ा। चलो पापा बैठ गए, पापा बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। चलिए आवाज बाय बाय मम्मा हो जाओ। के टेडी बेयर को इधर सुला दिया है। सुन बेटा उठो, सुम्मा जाओ, सुम्मा हो जाओ। टेडी बेयर को इधर सुला दिया और उसको बोला मैं ट्यूशन में जाऊं छू, अभी आती हूं। तो जी हेजल पधार चुके हैं घर पे वापस रोते रोते, उसको ट्यूशन में नहीं जाने का था। सारी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बंद करो। कल भी ऐसे ही हुआ था, आज भी ऐसे ही हुआ है, उसको उधर बैठने का ही नहीं है। तो बेसू तू तो कल टाइम पति गयो तो। अच्छा એવું થયું તું? આજે ટાઈમ હતો તો નતો બેસ। કાઈ વાંધો નહીં બેટા, કાઈ નહીં, નથી જવું, બસ અમે ધ્યાન બરાબર મેમ છે ને, હા કોકને ખી જતા છે, છોકરાને ખી જતા હતા કોકને। અરે મમ્મી ટીચર જ છે, મમ્મી ઓલરાઉન્ડર હૈ યાર। એક વાત તો 100% હૈ, સારિકા પૂરા ઓલરાઉન્ડર હૈ। तो जी शाम के बज चुके हैं 5:30, और इधर सारिका और हेजू लींबू चमची की हरीफाई करते हुए। ये देखिए बचपन याद आ रहा है। हेजू तारू लेमन का है क्यों? सोफा नीचे से काटवा लो, ये तारू लेमन पड़ी जाए तारे लेवा जाओ उनको। अरे ये ओलू ले ले नीचे थी, अरे आना थी ले। जितने लोगों ने लींबू चमची का खेल खेला है कमेंट कीजिए, मम्मी पापा कमेंट का जवाब देंगे। और जितने लोग पूछ रहे हैं कि दिनेश पटेल कौन है, ये है दिनेश पटेल मेरे पापा, डीडी पटेल एडवोकेट। हेलो हेलो एवरीवन। तो जितने भी कमेंट के रिप्लाई आते हैं ना वो डीडी पटेल करते हैं, और कभी कभी हार्दिक पटेल भी करता है, और कभी कभी सारिका पटेल भी करती है, तो मैं कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग पता चल जाना चाहिए। ठीक है, सारिका पटेल और जयदीप पटेल का अकाउंट एक ही एक ही है। हाँ 1 2 3 गो। ये पदी चलो, वन मोर टाइम, बैलेंस करवाना बेटा, बैलेंस।
करी चलो चलो बे करी चलो ले ले बेटा तने फाव नानू ले ले तू अभी इधर रेस होने वाला है रेडी गो धीरे 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 जो पड़ी गयो गयो मम्मी जान धीरे धीरे चलो धीमे धीमे वॉक स्लोली स्लोली वॉक करवानू बेटा तू तो जीत ही जाए छोटे छोटे हाथों से बड़ा बड़ा लेमन खाया जा रहा है इधर स्ट्रेट रख बैलेंस कर पहला स्ट्रेट रखवानो स्लोली ए ए पकड़े हाथ मुकी दे नो ए चीटिंग करे चीटिंग नहीं करवानो चलो यहां से रेडी रेडी गो ये देखो रेडी गो रेडी गो ए हाथ छोड़ चीटिंग नो चीटिंग चीटिंग नहीं करवानी ए ए ए नो ले ले रेडी रेडी गो गो पड़ी क्यों पड़ी क्यों पड़ी क्यों स्लोली चलवानो बेटा स्लोली चलवानो स्लोली स्लोली चलवानो ओके चलो चलो वन मोर टाइम चलो वन मोर टाइम वन मोर टाइम लेट्स गो हाथ नहीं पकड़ानो स्लोली स्लोली चलवानो चलो वन टू थ्री गो हाथ ले ले हाथ ले ले वेल डन पड़ी क्यों वेरी गुड इसना ले 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 अपन एम रमवानू है चलो केजीएफ ने हेल्प किया वीडियो लेने में केजीएफ थैंक यू कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा मस्त बहुत फाइन और मम्मी को पूछते हैं मम्मी कैसा रहा दिन आपका बहुत मस्त बहुत फाइन मतलब नजदीक पापा क्या कर रहे हो ये मैसेज का जवाब दे रहा हूँ कमेंट का ओके कमेंट का जवाब दे रहे हो दिनेश पटेल नाम है हाँ है ना पापा हाँ जी हाँ ओके इतना नजदीक क्यों ले आते हो ये लेंस इतना अच्छा है नजदीक ही लेना पड़ता है ठीक है तो गेस करते रहो कौन सा लेंस है कल रिवील करूंगा मैं मजा करो मजा करवाओ ठीक है आज के लिए बस इतना ही ये देखो हेजल इधर लेमन छुपाते हुए हेजू इन्हें शू करे छे तू गोठावे छे ओ माय गॉड ऐसे कितना बड़ा बोल दिया ठीक है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ओ माय गॉड पची ऐसे वागी जाए उंदा माते पड़ी जावे तो ओके चलो बाय बाय नेक्स्ट टाइम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भटकाई गई